गैर कानूनी तामीरात की पुष्पनाही पर एलडीए अफसरों के गिर्द घेरा तंग। 14 गैर कानूनी तामीरात को तहफ्फुज़ देने वाले 17 अफसरान एंटी करप्शन के रडार पर। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर मोहम्मद अजहर, आयशा मथर, सलमान महफूज और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कमर्शियल प्लाजों के मालिकान खबरदार होशियार, बड़ी बड़ी इमारतों में फायर सेफ्टी के इंतजामात लाजमी। लापरवाही पर जेल की हवा खाना पड़ेगी। जिले इंतजामिया ने फायर सेफ्टी कमेटी से तफसीलात तलब कर ली। कमर्शियल इमारतों का सर्वे करने का फैसला। लाहौर में भी कश्मीरियों के हक की गूंज, कश्मीरियों के हौसले और अज़्म को सलाम। शहर भर में रैलियां, सेमिनार और तकारीर। जलते कश्मीर पर दुनिया के मुनसिफों की मुजरमाना खामोशी की शदीद मजम्मत। निहत्ते कश्मीरियों के भरपूर सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत का इआदा। मेजर सज्जाद हैदर शहीद की 10वीं बरसी, इछरा में दुआया तकरीब का अहतमाम। एसएसपी जाहिद मुरम्मत समेत सियासी समाजी शख्सियात की भरपूर शिरकत। मेजर सज्जाद हैदर शहीद को खिराज अकीदत पेश किया गया। और सरफराज अहमद दौरा ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड कप तक कप्तान बरकरार। सरफराज अहमद कप्तान है और वर्ल्ड कप तक रहेंगे। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने फैसला सुना दिया। सरफराज अहमद ने मुल्क के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दी। तमाम फॉर्मेट में रिकॉर्ड शानदार है। एहसान मानी और कप्तान सरफराज अहमद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड कप में कप्तानी एजाज है। क्रिकेट बोर्ड की उम्मीदों पर और एतमाद पर पूरा उतरूंगा। सरफराज अहमद